Assalamualaikum to everyone. I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे. आप देख रहे हो JK Study Point और इस रूम में हम डिस्कस करेंगे PM++ स्कॉलरशिप स्कीम के कट ऑफ के रिगार्डिंग. एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, किसको कॉलेज अलॉट होगा और किसको नहीं होगा, कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज डिटेल्ड कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे सारे कोर्स के लिए. वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना. सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करना. इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना. बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में. जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिलेक्शन किस बेस पे होती है PM++ में. तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ PM++ में आपकी सिलेक्शन 12th के मार्क्स के बेस पे होती है, उसके बाद सीट्स के हिसाब से होती है, उसके बाद आपके कैटेगरी के हिसाब से होती है और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से होती है. तो ये चार फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करेंगे. तो इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आप कट ऑफ डिस्कस कर सकते हो. अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो PM++ में दूर के कॉलेज होते हैं उनमें कम कट ऑफ जाता है और जो नज़दीक के कॉलेज होते हैं J&K के लाइक पंजाब, दिल्ली, राजस्थान वगैरह, तो इनका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है. अगर हम किसी भी कोर्स की बात करेंगे, इवन अगर हम यहाँ पे होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे, इंजीनियरिंग की बात करेंगे, नर्सिंग की बात करेंगे, फार्मेसी की बात करेंगे, इनका कट ऑफ हाई चला जाता है. तो सबसे पहले कोर्स के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं, वो है BVSC & AH. तो उसका कट ऑफ लगभग 480+ जाएगा इस साल जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसमें टोटल 8 सीट्स हैं. तो उसको आप पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो उसका आप देख सकते हो अगर आपके पास 480-470 तक मार्क्स हैं तो शायद आपको वो मिल जाए. उसके बाद अगर हम बात करेंगे BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग में मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. जो नज़दीक के कॉलेज हैं मतलब पंजाब, दिल्ली में, राजस्थान में, उनका कट ऑफ 450 तक चला जाता है. 450 अगर आपका है, 440-430 तक भी चला जाता है कभी कभार किसी कैटेगरी में. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो दूर के कॉलेज हैं उनमें कट ऑफ कम चला जाता है, 410 तक 420 तक नर्सिंग में भी आपको सीट मिल जाएगी. अब ये डिपेंड करेगा आपने चॉइस फिलिंग किस तरीके से की हुई है. अब यहाँ पे अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो कभी कभार 380-370 तक भी चला जाता है किसी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में. तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैटेगरी के हिसाब से 380 पे भी. लेकिन अगर आपके पास ओपन मेरिट है देन आपको ये दिमाग में रखना है कि हमें कम से कम 420 तक मार्क्स होने चाहिए, 410 तक होने चाहिए, तब हमें कोई दूर का कॉलेज मिलेगा नर्सिंग में. उसके बाद अगर हम फार्मेसी की बात करेंगे, जो मैंने आपको नर्सिंग के लिए बोला सेम यही प्रोसीजर आप फार्मेसी के लिए भी रख लो. अगर आपके 450-430 तक मार्क्स हैं देन आपको नज़दीक का कोई कॉलेज मिल जाएगा फार्मेसी का. लेकिन अब अगर आपको इससे कम है देन आपको फार्मेसी में कॉलेज मिल जाएगा 400 से अगर आपको ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन वो दूर का कॉलेज रहेगा, साउथ साइड का कॉलेज रहेगा, तो इजीली आप उसमें जा सकते हो. उसके बाद अगर हम जनरल कोर्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ जनरल कोर्सेज में 430 तक आप मान के चल सकते हो कि आपको नज़दीक का कॉलेज भी कोई मिल जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कट ऑफ कम ही होता है. और उसमें वैरायटी ऑफ कोर्स होते हैं, BSc होता है, BCom होता है, आर्किटेक्चर, बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली BCA वगैरह होता है. तो उसमें आप कट ऑफ देख सकते हो कि किसी कॉलेज में कम कट ऑफ भी जा सकता है जो नज़दीक का होगा, 430 तक आप मान के चल सकते हो. ओवरऑल अगर हम एवरेज कट ऑफ की बात करेंगे, अगर आपके 400+ मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड राउंड में. तो खुद को आप सेफ मान सकते हो 400 मार्क्स पे. अब ये डिपेंड करेगा आपने किस तरीके से चॉइस फिलिंग की है, आपके पास कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने मार्क्स हैं 12th क्लास में. तो उन फैक्टर्स पे आपको देखना है, आपको सोचना है. और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जिन भी कैंडिडेट्स ने 100 कॉलेज रखे हुए हैं तो उनके लिए अब लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि जो कॉलेज मिलेगा उनको जाना पड़ेगा. अब जिन कैंडिडेट्स ने 100 कॉलेज सेलेक्ट नहीं किए हैं तो उनको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. और PM++ में हर साल 5000 सीट्स होती है, उसमें से 100 सीट्स आप काट दो, बाकी जो सीट्स बच जाती है वो इसी तरीके से फिल हो जाएंगी. और यहाँ पे कैटेगरी में भी आपको पता ही है इस साल रिजर्वेशन चेंज कर दी गई है, तो 30% है ओपन मेरिट के लिए. तो ओपन मेरिट का कट ऑफ हाई चला जाएगा इस साल, लगभग 450-460 पहले ही मैंने आपको बोला नर्सिंग, फार्मेसी के लिए, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए. अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल के लिए तो उनका मैंने बता दिया आपको 430. तो इस हिसाब से आपको देखना है कितने मार्क्स हैं आपके तो आपको कॉलेज मिल जाएगा. अब जो 350-370-360 वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तब शायद आपको कोई कॉलेज मिल जाए, दूर का कोई कॉलेज मिल जाए या सेकंड राउंड में आपके पास कोई चांस बन जाए. बाकी इसमें ज्यादातर उन्हीं कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट होते हैं जिनके 400+ मार्क्स होते हैं. तो कट ऑफ की रिगार्डिंग में यही बताऊंगा, बाकी आप वेट कीजिए, आपका रिजल्ट 2 दिन में ही है, 2 दिन के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आपको अपने पोर्टल पर ही दिख जाएगा, उस टाइम मैं आपको अपडेट दे दूंगा. चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.